तो यहाँ पर सफाई जैसे मैं कर रही थी, यहाँ से बिस्तर बिस्तर लपेटे हैं और आज खेलते खेलते आकर इस ब्लैंकेट में आके सो गई है। जैसे मैंने ब्लैंकेट यहाँ पे लपेट के बना के रखा है ना। और बाकी इसके अलावा कल जो हम हैंगर लाए थे इसमें सारे कपड़े बना कर रखती गई हूँ, नीचे लपेट के रखने के थे वो सारे लपेट के रखे हैं। तो ये सारा काम करते कराते अभी बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं। घर पे बना हुआ है आज दाल का सालन बहुत मजे का, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। पहले खा चुके हो ना, पहले प्याली खा के वैसे अम्मा से बनवाता हूं। तो इनको जो ना मेरी अम्मी की हाथ की पसंद है दाल, जो कि अम्मी तड़के वाली दाल बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा। बड़े छोटे सबको तो पसंद है, मेरे हस्बैंड की जैसे फेवरेट डिश समझ लें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है जो अम्मा दाल बनाती। आज क्या हुआ, बर्थडे हुई स्कूल में? और फिर तैबक पता नहीं था, फ्रेंड ने नहीं बताया था कि आज इसकी बर्थडे है। फिर आज गई थी, आज सारे बच्चों को लॉलीपॉप दी थी। वो फ्रेंड ने दिया था? अच्छा, मतलब गिफ्ट दिया था। हमारा यहाँ पर बैठा है, मुझे भी दाल इतना मजे की लगी है, देखो मैं कटोरी भर के ऐसे ही खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड, बस मेरे हस्बैंड का बस चले ना दिन रात घर पे दाल ही पके। और अभी देखो बच्चों को दोबारा से भेजा कि कटोरी भर के मेरे लिए दाल लाओ। पीछे दाल बची है और जैसे आज कटोरियाँ भर भर के सबने खाना है। ताइबा ने पेट भर के खा लिया, उसकी सीट छोड़ो, उसको भी साथ में बैठना है। बस इतना खाया है, अपने भाईजान और पापा की तरह खाया करो। कैसे खाते हैं ऐसे पेट भर के खाना खाते हैं, बस ये लॉलीपॉप खाना। और देखो दाल इतना मजे की थी, इतना टेस्टी थी। मुस्तफा मेरी कटोरी खाली हो गई। आई मम्मी, इतना ज्यादा आज मजे की दाल थी आपकी, आज मुस्तफा ने भी बहुत शौक से खाई, ज्यादा टेस्टी बनी थी। आज मैंने भी कटोरी भर के खाई है, सबने कटोरियां भर भर के खाई है। इतने दिन हो गए बनी नहीं थी और इतने दिन ना बने ना दाल, मतलब हर हफ्ते हमारी एक दफा तो बनती है। अभी मुझे लगता है एक हफ्ते से ऊपर हो गया, इस वजह से नहीं बनी थी, तो बहुत मजे की लगी। देखें आज तो क्लासेस चल रही है, क्लास ली जा रही है आज, क्लास ली जा रही है। हाँ अच्छी बात है, अपने पापा को ऐसे ही पकड़ लिया करो, ठीक है? मैं नहीं सुनूं तो पापा को सुनाया करो अपना। बहुत अच्छी विलेज वाली ऐसे कपड़ों में, हाँ ऐसे कपड़ों में विलेज में लग, मतलब विलेज वाली लगती है। चले फिर बच्ची की चीज जो शॉपिंग है वो भी कंप्लीट कराएं। बच्चों का कंप्लीट करते हैं, कल जो है ना अम्मी को लेकर जाना अम्मी के जूते लेने, और वो वहाँ बाटा वाली शॉप है जो सॉफ्ट वाले जूते हैं अम्मी के पाँव में दर्द। प्रॉपर सैलून में ना अच्छा वाला फील कराऊंगी, अच्छा सैलून को टाइम देंगे, अम्मी का अच्छे से पाव फुट मसाज होगा और अम्मी का जो है ना मैनी पैडी की ओर अच्छे से कराऊंगी। तो ये सब अभी अम्मी को अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं उधर पहले अपॉइंटमेंट ले लूँ अम्मी की, और बाजार के सारे काम खत्म करते हैं। मेरे हस्बैंड एक दिन, आप मेरा व्लॉग बनाओ ना एक दिन पूरा बनाओगे? इतना टाइम मेरे पास नहीं होता। अम्मी कहाँ गई मुस्तफा? अम्मी कहाँ है? अम्मा कहाँ चली गई, ऊपर गई हुई नहीं दिख रही। आपके पापा भी दोनों कहाँ गायब हो गए? मैं अबाया पहन के गई। अब बच्चों का नाम बिल्कुल भी मत बोलेगा कि बच्चे सुबह सुबह वॉशरूम क्यों जाते हैं। नीचे गाड़ी में तो कोई बैठा नहीं, फिर ऊपर चली गई। वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए खाने के। एक्सरसाइज नहीं, आप ये वाली बात मानो कि बच्चे आप पर गए। आप फिर गाड़ी पार्किंग लगा कर आओ, मैं फिर जा रही हूँ, सामने ही होंगी, इसी सामने वाली शॉप पर इधर ही आएगा, सही है? और मेरे पास पैसे नहीं है, बैग में कुछ भी नहीं है, आप जल्दी आना, सही है? वहाँ पर मैं खड़ी रहूँ और मेरे पास कुछ ना, फिर आप आओ नहीं, जल्दी आइएगा। पार्किंग के लिए यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है पार्किंग, थोड़ा आगे जाएंगे जब तक मैं थोड़ा सा मार्केट घूमूँ। आज जो है ना मौसम कराची का देखें कितना प्यारा हुआ, और ये है बच्चों की मार्केट। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, नहीं मान रहे थे ना कि मैंने इतने महंगे लहंगे कहाँ पर देखे थे, ये वाले, ये महंगे 10-10 हज़ार का एक लगा, ये 10-10 हज़ार का। हाँ तो गाड़ी पार्किंग करके आ गए हैं, तो अभी चलते हैं कि ना बच्चों के ड्रेस देखते हैं। नहीं ये भी नहीं मैच हो रहा, ये बहुत अलग लग रहा है, ये वाला कलर नहीं अच्छा लग रहा। ये वाला लहंगा चोली है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें मिलेगा भाई? यही वाले कलर में होगा साइज, इसी कलर में साइज मिल जाएगा? कलर एक जैसा नहीं मिल रहा, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ही मिल रहे हैं। ये जैसे कि ये इंडियन फिराक है, ये बहुत खूबसूरत है, इनका कपड़ा बहुत अच्छा लगा। अभी ये तीसरी शॉप है और हम आयत के लिए लहंगा ढूंढ रहे हैं। तैयबा का तो हो गया पूरा ड्रेस मिल गया, अब हमें आयत का लहंगा नहीं मिल रहा। अब ये बड़े साइज का कहते हैं नहीं, 3 साल की बच्ची को आ जाएगा। ये वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है आयत के लिए, ये वाला पिंक में अच्छा लग रहा है, ये वाला है प्यारे वैसे, ये दो अच्छे हैं। इसमें सिल्वर है। यहाँ पर तैयबा और आयत के दोनों के डन हो गए, और इस साइड पर देखें सारी खुशी की शॉप है। ये वाला दिखाइए, जाना ये सारे डिजाइन आए हुए हैं, अभी मैं देख रही हूँ अपने लिए।
पर सबका सामान लेते लेते यहाँ पर देखो रात भी हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरे में और ज्यादा देखो रश कितना ज्यादा बढ़ गया है। मौसम कितना प्यारा है ना, इसे ठंडी ठंडी हवा चली हुई है देखो कैसे अच्छे अच्छे। और हवा भी ठंडी चल रही है, बहुत मजे वाली हवा है। चलते चलते जो है ना हम इतना आगे आगे इतना दूर गाड़ी खड़ी की, यही वाली है ना बगैर शीशों वाली पे पार्किंग नहीं मिल रही। हाँ तो तकरीबन 1 किलोमीटर पूरा गाड़ी को, 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गाड़ी को दूर खड़ा किया और बगैर शीशों वाली हमारी गाड़ी। तो देखो मार्केट जो है ना कितना दूर है, हम दूर से सफर करते करते यहाँ तक आए हैं। ये रही हमारी कार। बस 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 आएंगे जाएंगे कहाँ से, गेट के आगे खड़ी कर रहे हो। हम कहाँ तक पहुँचा, शुक्र है कि ये तो पूरा लग चुका है और शुक्र है ये तो घर पर आते। इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ वाला एरिया जो है ना पूरा कवर हो गया है। आयत आज मेरा बीबी क्या खा के बैठी, चॉकलेट खाइए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ठीक आप सुनाए? ठीक है। अम्मी कहाँ गई? नमाज। अच्छा तो यहाँ पर आते इतनी ज्यादा थकावट थी, बिस्तर यहाँ पर लग चुकी है, भाई मैंने आकर ऐसे निकाल दिए। मेरी बेबी ने अम्मा को तंग किया, अम्मा की बेबी ने अम्मा को तंग किया था, अम्मा को तंग तो नहीं किया आयत ने? कैसी है अम्मी, ठीक है? नहीं अम्मी भूख नहीं है, आप खाना खाओ। बहुत ज्यादा क्यों, लेकिन आज सामान पूरा लेकर आई, मैं ऐसे डर गई। अब चाचू कह रहे थे तैयबा को बुखार है, हाथ लगा कर देखे वो तो ठीक है, नहीं है ना? वो ऐसे काम लिखते लिखते थक जाती। हाँ थक गई होगी तो कहती मुझे बुखार आ गया। अम्मी जो आपने लेसें बोली थी ना वो भी मैं लेकर, आप पहले लेसें देखो फिर मुझे बताना की लेसें अच्छी है या नहीं है। अम्मी ये पहले नीचे रखे, इधर एक ये वाली पट्टी भी रखे फिर दूसरी वाली पट्टी भी रखिएगा। तो मेरी एक कुर्ती है जो कि छोटी है, अम्मी ने कहा है कि टेलर के पास लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें जो है ना से लगा दूंगी। हाँ। तो ये लेंथ लंबी करने के लिए मैं ऐसे लेस लाई हूँ, तो अम्मी मुझे बना कर देंगी। साथ में तो ये भी लेके आई हूं। हाँ अम्मी फिर इसे और मजीद लंबी लगेगी ना। हाँ ये इसके नीचे आएगी, कैसी लग रही है अब? इतना देखे अम्मी इतनी बड़ी हो जाएगी है ना, मैचिंग सही करके आई हूँ। बहुत अच्छी करके आई हो। हाँ उसे कहो कि मेरी कुर्ती लंबी भेजी करो। बोलूंगी कि मैं छोटी कुर्तियां नहीं पहनती तो थोड़ा सा लंबी। देखे कितने ये लगा रही है तो ये दो ये अम्मी बहुत प्यारी है, अच्छी है। और कल वाली जो कुर्ती आई थी ना वो अम्मी को इतना पसंद आई, अम्मी ने कहा नहीं बस वो शादी के एक फंक्शन पे वो पहनना, उसको थोड़ा सा उसकी लेंथ जो है ना लंबी कर लेते। बच्चों की चूड़ियां देखे, चूड़ियों के लिए मैंने कहा नहीं ये तो हाँ जूते हैं, ये आयत के जूते हैं देखे। नहीं 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 हील वाले नहीं, नहीं चलती ना ऐसे शो के लिए मैं ले आती, लेकिन वो पहनती बिल्कुल भी नहीं। ये प्यारी है, प्यारी है ना। चलो पहले तो हम नहीं दिखा रहे थे लेकिन अब जो है ना मैंने सोचा कि अम्मी को ये दिखा देती हूँ। कैसे अम्मी ये बहुत प्यारा है, प्यारा है ना। पहन के पहले चेक किया तो ये पहनने में गले में रखने पर ना बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी अपने ऊपर रखी गले, अम्मी रखे तो सही, अम्मी क्या हो गया आप रखे रखी यहाँ पर। चाचू देखिए अम्मी को आप बोले फिर रखेगी। अम्मी अब चाचू बोल रहे, अम्मी क्या हो गया, मुझे तो अच्छा लगेगा यहाँ सामने ऐसे रख कर मुझे दिखाए कि सब मेरी YouTube फैमिली देखे कितना अच्छा लग रहा है। तो नहीं अम्मी थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये यहाँ ऐसे आ। अब देखो अम्मी आप पे भी इतना प्यारा लग रहा है, ले आऊं अम्मी आपके लिए ऐसा, है ना चाचू? अच्छा लग रहा है ना अम्मी पर, तू भी खुश हो रहे, प्यारा लग रहा है ऐसा। अम्मी आपको एक ले देती हूँ, बहुत अच्छा। एक दफा अच्छा अम्मी शीशे में देखी, इतनी अच्छी लग रही हैं आप। इसके साथ के झुमके भी हैं, झुमके मैचिंग। इसके साथ बिंदिया नहीं दे रहे थे, फिर बिंदिया अलग से मैचिंग की है, ये हमने अलग से जो है ना मैचिंग की है, ये वाली ये इसके साथ की नहीं है। तो इस तरह के जो है ना ये ऐसे झुमके हैं, और इसके अलावा जो बिंदी अम्मी बिंदिया इसके साथ उन्होंने मैच करके दी है, बिंदिया थी नहीं, ये दिखाया ना ये अलग से मैचिंग थी नहीं और मैच कर रही है। हाँ तो इस तरीके का है ये, और ये मुझे जैसे मैंने पहन जैसे अभी अम्मी ने रखा ना अम्मी के ऊपर प्यारा लग रहा था, ऐसे मैंने अपने ऊपर रखा शीशे में देखा बहुत अच्छा लग रहा था, तो बस फिर मैंने एक ये वाला ले लिया। अम्मी को जो है ना सबके कपड़े मैंने निकाल कर दिखा दिए, अम्मी ने लहंगा चोली भी। अम्मी आयत का लहंगा चोली कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा ना, इतना नहीं दिखाया अम्मी आपने, लपेटा ढूंढ ढूंढ के इतना। वो देखो जूते पहन के आ गई, जूते पूरे इधर आओ, कितनी प्यारी लग रही है आयत। आयत के जूते पूरे आ गए ये वाले,
हाँ मम्मी बिल्कुल पूरा सही साइज हम लेकर आए हैं। तो हमारी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आया था हाँ दूसरे भी पहन के चाहिए। ये देखो अम्मा ने और भी लिया आपके लिए। ये देखो ये कितना प्यारा जूता है आयत का। लाइक इट? वो उसी को लेके भाग गई है। यहाँ पर हमने सारा सामान जो है ना निकाल कर रख दिया और अम्मी जो है ना मेरी चूड़ियाँ बना बना के रख रही हैं। पहले मैं सोच रही थी कि मैं अलग अलग पहनूंगी, ऑरेंज अलग और ग्रीन अलग पहनूंगी। तो ये इस तरह से ये मायो मेहंदी पे ये वाला कलर मैं पहनूंगी। तो अम्मी ने जो है ना मिक्स करके पूरा सेट बना दिया कि इस तरीके से पहनना। अब ऐसे कर खूबसूरत भी लग रही है इस तरीके से। आप आयत की चूड़ियाँ देखेंगी ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखो चूड़ियाँ देखो मैं दो सेट लिए आयत की। प्यारे तो प्यारी। इतने क्यूट लगेंगे लहंगा चोली के साथ चाबी हाँ। पहनेंगे। मैं ये सेट बना हुआ था पूरा इनका। ये ऐसे ऐसे ये अब निकाल करते हाँ, हाँ ये देखो प्यारा है। नहीं बस ये एक एक हाथ में एक दूसरे हाथ में ये हाँ। दो सेट है मैं तो ये लहंगा चोली इसका है ना तो उसके साथ पहनेगी बहुत प्यारी लगेंगी। दोनों की सेम लिया मैं तैयबा की भी ऐसी है और आयत की भी। तो हेलो गाइस मेरा मूड चेंज हो चुका है और अभी मामा वाले यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग नहीं कर रहे अम्मा को मैं दिखा रही थी पैकिंग अभी दो तीन दिन तक करेंगे। सारी लड़कियों के अभी कपड़े आ गए बस अबू और मैं रहते हैं। अबू आपके आपकी तो बेस्ट आपकी बेस्टी की बेटे की शादी है तो आप अभी तक कपड़े नहीं ले रहे। अबू और मैं रह चुके हैं अभी यहाँ पे कपड़े लेने में तो अब कोई नहीं हम ये कपड़े हैं ना हाँ ये है हमारे घर पे जो है हमें दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। हेलो क्या कहते हैं अब लाएंगे आपके भी ले आऊंगी वो था पे अम्मी को जो है ना मैंने पूरी शॉपिंग दिखा दी सारा सामान दिखा के आई और एंड में आपके लिए चाय भी बना के देखो आपको मैंने नींद से कैसे जगाया। आप तो सो रहे थे ना तो मुझे चाय का बोला था ना मैं नहीं भूली। सो रहे अभी हमारी रात की चाय का टाइम एंड में हम चाय पियेंगे उसके बाद सोएंगे। थैंक यू मम्मा की जान मेरा शहजादा जो अब सोने के लिए जल्द ये फैन ऑन करते हुए जाओ। कल का व्लॉग स्टार्ट किए वो जो है ना रात को जो है ना मैं ऐसे ही सो गई थी और बहुत ज्यादा थकावट भी हो रही थी। अभी बच्चों को स्कूल भेज कर बैठी हूँ तो मैंने सोचा व्लॉग अब जाकर एंड करते हैं और कुछ बातें करते हैं। पहली बात तो मुझे यहाँ पर सफाई देने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है मैंने बहुत सारे ना टेस्ट पास कर लिए हैं। अब इतने बड़े बड़े लाइफ में इतने बड़े बड़े सदमे जैसे झेले होते हैं ना और एग्जाम्स देते देते बड़े से बड़ा टेस्ट पास करते करते और अब मैंने सारे मुझे लगता है टेस्ट पास कर लिए हैं। अब कोई भी यूट्यूबर आता है कोई भी बड़ी सी बड़ी बात हो जाती है ना अब फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। सच में मैं हंस के इग्नोर कर देती हूँ लेकिन दिल है कभी कभी तकलीफ होती है। और इस बात को लेकर कि अम्मी कल क्यों रोई है सितारा बाहर निकली रहती है तो अम्मी घर पर अकेली रहती है तो इस वजह से वो रोती है तो ऐसा कुछ नहीं है। हर टाइम जो है ना हम इल्जामात अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो कि कैमरा के पीछे होती हैं सामने नहीं आती और मैं उनको लेकर आना भी नहीं चाहती। मैं ये समझती हूँ जो अल्लाह पाक खुद लेकर आएंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इतनी सारी बातें हमारे सामने आती हैं जो जिन्होंने हमारे ऊपर भी इल्जामात लगाए मुझे बुरा भला बोला मुझे क्या से क्या खैर उन बातों को मैं दोबारा उस टॉपिक को नहीं लेकर आना चाहती। उनकी बातें हमारे पास भी हजार होती हैं लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो जब अल्लाह पाक खुद सामने लेकर आएंगे ना उसका मजा अलग होगा। हम नहीं लेकर आएंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है ही नहीं। ये मेरे अल्लाह की ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये है कि जो अल्लाह पाक ने हमें क्या ड्यूटी दी है हमें ये ड्यूटी दी है कि आपने कैसे अपनी लाइफ को गुजारना है और हम उस तरीके से चल रहे हैं जो मेरा काम अल्लाह का उसको अल्लाह पर छोड़ दो और वो जो बेहतर करते हैं। जब से अम्मी गांव से आई आपको आपने देखा होगा कि शुरू के दो चार दिन अम्मी बिल्कुल ठीक थी उसके कुछ ही दिन बाद अम्मी की तबीयत और ये सब कुछ मेरे व्लॉग में भी काम आना इस तरीके से बहुत ज़्यादा रोई हैं बहुत ही ज़्यादा रोई हैं जो कि मुझे लगता है कभी कभी ना औलाद को इस चीज़ का एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन्होंने इतना छोटा सा आपको पाल पोष के इतना बड़ा किया था इस वजह से नहीं कि कल को जब माँ इस एज में पहुँचती तो उसके ऊपर हर एक बंदे को आप ये बताते फिरो कि हमारी माँ ऐसी हमारी माँ वैसी हमारी माँ ये ऐसी है। तो ये दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गम होता है कि अगर अपनी औलाद खुद आपको अब मेरी बच्चियां मैं देखो अब इनको पढ़ा लिखा रही हूँ पाल पोष रही हूँ इनको अच्छे रिश्ते कर दूँ कल को ये मेरा नाम बोलें कि हमारी माँ ये हमारी माँ वो लेकिन दिल ही दिल में तो उनको ये बात खाए जाती है ना औलाद की ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। एंड में इनको समझ में जरूर आएगी कि माँ से बड़ा
कोई नहीं है इस दुनिया में बेहतर रिश्ता जिनके पीछे हम भाग रहे हैं और माँ के ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। 15-20 दिन तक 15 दिन हो गए होंगे ये बात अम्मी ने सुनी और अम्मी ने दिल को लगाई लगाकर एक दिल बहला बहला कर कि अम्मी आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें, उनको वक्त आने पर समझ आएगी, यही रोएंगे, यही पछताएंगे कि हमने अपनी माँ के साथ क्या किया। तो बस यही वाली बात करनी थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गई थी तो माँ इस वजह से रो रही थी। हर इल्जामात हम सब कुछ जानते हुए भी, सब पता होते हुए भी हर इल्जामात मैं अपने सर पर अब मजीद और नहीं ले सकती कि सितारा ये करे तो सितारा वो करे, सितारा की वजह से माँ रो रही है। अगर सितारा की वजह से माँ रोती ना तो माँ मेरे साथ इस टाइम ना खड़ी होती। खैर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। कल के व्लॉग में भी मैंने सबको एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जितना हो सकता है अपनी माँ की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, ये टाइम चला गया तो कल को पछताओगे, रोगे और वक्त कभी वापस नहीं आएगा लौट कर। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो वॉच करने के लिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं और अपनी माँ को जितना हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार दो, इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, अपने रिश्तों को संभाल के रखो। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।